पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टोटल मार्क्स 50 हैं, लेकिन इस पेपर में 40 होंगे। इंटरनल असेसमेंट ऑफ 10 मार्क्स की होगी। ऑब्जेक्टिव वही है, मैथ्स के कंसेप्ट को समझना, अप्लाई करना और उसकी नॉलेज गेन करना। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है गुरु नानक से और पटियाला यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। इसका नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट यूनिट है। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स मीनिंग नेचर, तो नेचर हमें पता है कि ट्रू साइंस है, क्रिएटिव है, इवॉल्विंग साइंस है, इंटरकनेक्टेड है दूसरे सब्जेक्ट से, अप्लाइड है दूसरे साइंसेज पर, डायरेक्टली अप्लाइबल है, साइंटिफिक नेचर है। अच्छा, आर्टिस्टिक भी बोल सकते हो, मुझे तो नहीं ज़्यादा पता, क्योंकि ये क्योंकि ड्राइंग जो है वो ट्रायंगल बनाना, ये बनाना ना, वो सारी ड्राइंग का पार्ट भी है, वहाँ आर्टिस्टिक भी आती है। लेकिन एग्जैक्ट चीज़ है वो आप अपनी एस्थेटिक सेंस नहीं ऐड कर सकते। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है इसकी, लॉजिकल है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज सिम्बोलिज्म है। ये पॉइंट भी इसके बनते हैं नेचर में। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सियम्स, प्रोपोजिशन, पोस्टुलेट्स एंड क्वांटिफायर्स, तो ये आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे, इस पर मैं बोल ही नहीं सकता। मैथमेटिकल पोस्टुलेट टाइप्स, ट्रुथ वैल्यूज, ट्रुथ टेबल, ओपन सेंटेंसेस, लॉजिकली वैलिड कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस, तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। मेरे ख्याल में इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग होगा, यूजीसी नेट में करते होते हैं। एंड प्रूफ, डायरेक्ट, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रास्ट पॉजिटिव। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स, आर्यभट्टा, रामानुजा, पाइथागोरस, तो इनकी जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट का यहाँ पर है कि उन्होंने डेसिमल सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया है ना। आर्यभट्ट वर्क लेड फाउंडेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, नहीं, उन्होंने उस पर काम किया है, इंक्लूडिंग द जीरो एज ए प्लेस होल्डर विच इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, है ना, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी वैल्यू इन वर्क पेविंग एंड मेव वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंडिया एंड लेटर ऑन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड यूरोप। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर काम किया उन्होंने, मेरे ख्याल में ईजी है, जैसे ऑन इट्स साइड लेंथ कंट्रीब्यूटिंग टू ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज, टाइम एंड एस्ट्रोनॉमी, के ईयर को कैसे मेजर करना है, एक्सप्लेनिंग द अकरेंस ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, तो ये देखिए वो भी साइंस है। थियोराइजिंग अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ, एक एक पॉइंट इसका, सब पॉइंट का भी आप आगे, साइन टेबल है, वैल्यू ऑफ पाई है जो बताई गई, अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने बताई है 3.1416। अल्जेब्रिक कंसेप्ट है, आर्यभट्ट मेड कंट्रीब्यूशन टू अल्जेब्रिक कंसेप्ट्स एंड मेथड्स एड्रेसिंग इक्वेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मेरे ख्याल में तो ये इंटरेस्टिंग है। रामानुजा है, मॉड्यूलर फॉर्म है उनके पॉइंट्स जो हैं, पार्टीशन फंक्शन है, इनफाइनाइट सीरीज है, एलिप्टिक फंक्शन है, एक्सप्लोर द एलिप्टिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, कंट्रीब्यूटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स। आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। रामानुज प्रीमिसेस, ही डिस्कवर ए क्लास प्राइम नंबर नोन एज रामानुज प्राइम्स, विच हैव यूनिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मॉड्यूलर फॉर्म्स एंड मॉक, आपको क्लास में जो है एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जाएगा, है ना। पार्टीशंस ऑफ नंबर, वर्क ऑन इंटीजर पार्टीशन इंक्लूडिंग एस्टोमेटिक एस्टीमेट्स एंड एग्जैक्ट फार्मूलाज। रामानुजा हार्डी नंबर, ये पॉइंट बन रहे हैं। हाइपर ज्योमेट्रिकल सीरीज है ना, लॉस्ट नोटबुक, ये पाइथागोरस के या पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो पॉपुलर वो है आपका, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, पाइथागोरियन ट्रिपल, द सेट ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी दैट सेटिस्फाई द पाइथागोरियन थ्योरम, है ना, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे तो पता नहीं अभी इसके बारे में। इरेशनल नंबर, फॉलो द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अंडरस्टैंडिंग इरेशनल नंबर विच नंबर दैट कैनॉट बी एक्सट्रैस एज फ्रैक्शन में, जो नंबर नहीं आ सकते। ही डिस्कवर द स्क्वायर रूट ऑफ टू बिन इरेशनल वाज प्रोफाउंड, क्या बात है यार, वेरी म्यूजिकल रेशो। पाइथागोरस अप्लाई द मैथमेटिक प्रिंसिपल म्यूजिक डिस्कवरी द, वेरी गुड यार, ये तो इंटरेस्टिंग है ना। पाइथागोरस थ्यूरम प्रूफ्स, पाइथागोरम ट्यूनिंग, वापस चलते हैं।
तो ये आपके मेन है जो थिंकर हैं, इंटरेस्टिंग है। सेकंड है आपका यूनिट टू, एम्स ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स नीड्स एस्टेब्लिश इन जनरल ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। नीड तो है ही है पहले भी, नहीं वो दूसरा था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, नीड क्यों है ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए, क्योंकि ये कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है, प्लानिंग कैसे करनी है, मोटिवेशन कितनी है, जो लेसन प्लानिंग कैसे होनी है, इवेल्युएशन कैसे करनी है, है ना, लर्निंग मटीरियल कौन सा चाहिए टीच करने के लिए मैथमेटिक्स, ऐसी बातें आनी है। स्टडी ऑफ एम्स और जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विज ऑब्जेक्टिव स्कूल एजुकेशन, जनरल और स्पेसिफिक एम्स की बात शायद इसमें होगी। राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग पॉइंट्स और वेरियस कंटेंट एरिया मैथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। कुछ नहीं है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने देखी ही है। तो इसके जो है 6 कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी के हैं, ये कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी क्योंकि मैथ का पर्पज ही लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना है, तो 6 लेवल हैं। इनको लोअर लेवल कहा जाता है, इनको हॉर्स कहा जाता है, HOTS हॉर्स। हायर क्लास में ये अप्लाई होंगी, लोअर क्लास में ये होगी। अगर कोई सम लोअर वाला है यहाँ रखना है ना, तो ये अप्लाई होंगी। तो हॉर्स का मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मेमोरी है, रिमेम्बरिंग की है, मेमोरी है और कुछ नहीं है। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन अंदर डालनी है, रिटेन रखनी है और बाहर निकालनी है, ऐसे रिमेम्बर रखना, तो उस फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, लाइफ में अप्लाई करना है, एनालाइज करना है, एवेल्युएट करना है, क्रिएट करना है, न्यू सॉल्यूशन क्रिएट फॉर एग्जांपल करना। इससे रिलेटेड हर डोमेन से रिलेटेड एक्शन वर्ब दिए हुए हैं, उन एक्शन वर्ब को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल एनलिस्ट, डिफाइन, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट है ना, अप्लाई है। तो ये जो वर्ड ऐसे आपने दो चार याद करके अपने मैथ्स के टॉपिक जो भी आपको दिया गया है, यहाँ है 2-3 एरियाज दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा है, कंटेंट आपको याद है, तो बस आपने यूज़ करना है आफ्टर दिस टीचिंग अलजेब्रा या जो भी टॉपिक है अलजेब्रे का, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो ऐसे आपने स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन ट्राइंगल, वट एवर इज कंसेप्ट आपका जो भी पढ़ाना है आपने, ऐसे बनाने हैं, ये उसकी एक एग्जांपल होगी। अप्रोच है एक्टिविटी बेस्ड है, ये कौन सी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ना। इंडक्टिव अप्रोच भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, डिडक्टिव जो है ट्रांसमिशन अप्रोच है, एनालिटिकल सिंथेटिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो एक्टिविटी बेस पर बच्चे को आप एक्टिविटी देते हो, प्रॉब्लम देते हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एक्टिविटी दी गई, और ये वो उसको सॉल्व कर रहा है ना। सॉल्व करने के लिए जो टीचर है, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर कर लेते हैं, टीचर जो है डायरेक्ट हेल्प नहीं करेगा, इसके आंसर नहीं देगा, वो क्या करेगा, इसकी थिंकिंग में हेल्प करेगा, ये हेल्प होगी स्कैफोल्डिंग। तो बच्चा खुद ही एक्टिविटी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक्टिविटी में मैथमेटिकल टर्म्स या कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, जो आपके फार्मूले हैं वो अप्लाई होंगे, तो सॉल्यूशन होगा। ये एक्टिविटी में इट मींस लर्नर जो है कॉग्निटिवली एक्टिव होगा, है ना। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवेल्युएशन करेगा, पीयर इवेल्युएशन हो सकती है अगर ग्रुप एक्टिविटी है, तो ऐसी बातें इसमें आएगी। इंडक्टिव डिडक्टिव बेस्ड, इंडक्टिव डिडक्टिव सिंपल है। इंडक्टिव क्या है कि पर्टिकुलर पी फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की ई से इंडक्टिव हो गया, एग्जाम्पल से चलना है, और जो है जनरलाइज्ड सी से कंक्लूजन की तरफ जाना है। ये जो इंडक्टिव मेथड है एग्जाम्पल से कंक्लूजन की तरफ जाता है। पहले बच्चों को एग्जाम्पल दी जाएंगी स्पेसिफिक, वो उनको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने कैसे करेगा, सिमिलैरिटी देखेगा उनमें से, ग्रुप में डिफरेंसेस देखेगा, है ना। जो सिमिलैरिटीज होंगी वो कंक्लूजन करने में हेल्प करेगी, और डिफरेंसेस दूसरे कंसेप्ट से डिफरेंस में हेल्प करेंगे। तो ये इंडक्टिव में होंगे। डिडक्टिव में क्या होगा कि बिल्कुल इसके उल्ट है, ये कंक्लूजन पहले, आपने फार्मूला पहले दे दिया, डेफिनेशन दे दी है ना, थ्योरम जो है पहले दे दी, उससे बाद में प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्व करने के लिए, इससे बिल्कुल उल्ट प्रोसेस है। ये टीचर सेंटर्ड है, ये वाली, ये जो डिडक्टिव है टीचर सेंटर्ड है, और ये चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है,
ये बस बात है उसके नीड्स पर, इंटरेस्ट पर ये बेस्ड है। एनालिटिकल एंड सिंथेटिक है, ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी ये कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ जाएगी, क्रिएटिंग सिंथेसाइज करना है और सिंथेसाइज है ना, तो जब आपको आप प्रॉब्लम प्रोवाइड करते हो तो उसके टुकड़े कर लेता है बच्चा, टुकड़े करके समझता है तो वो एनालिसिस है, तब जब उसको सारे टुकड़ों को जोड़ के समझता है तो वो क्रिएशन है, होलिस्टिक है, सिंथेटिक है, इतनी बात है। तो वो मैथ की एग्जांपल देके आपके टीचर आपको समझा दे। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्टिविटी से डायरेक्ट रिलेटेड है, ये प्रैक्टिकल जो है प्रॉब्लम दी जा सकती है, यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है, इतना फ़र्क होता है। लर्निंग रिसोर्सेज एंड मैथमेटिक टेक्स्ट बुक है, नीड इम्पॉर्टेंस एंड क्वालिटी है, तो वो नॉर्मली रहेगी, नीड क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड है, इल्यूस्ट्रेशन है, तो यूनिफॉर्मिटी है ना, बच्चे को होमवर्क करने के लिए काम आती है, उसके जब मर्जी उसके बैग में है, जब मर्जी वो सेल्फ पेसिंग पर अपनी नीड के अनुसार, अपनी स्पीड के अनुसार उससे लर्न कर सकता है ना, रेफरेंस जो असाइनमेंट वगैरह पूरा करने के लिए। तो क्वालिटी क्या है उसकी, फिजिकल क्वालिटी होगी कि उसमें इलस्ट्रेशन है, पेज ऐसे होने चाहिए, राइटिंग ऐसे होनी, एरर नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें होंगी। तो क्वालिटेटिव आस्पेक्ट की है कि बच्चों से रेलेवेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल मैक्सिमम चाहिए, बच्चे को रियल लाइफ से अटैच की हुई, लर्नर सेंटर्ड हो, ऐसे वाली बातें जो आएगी, वैसे बुक्स जो है लर्नर सेंटर्ड नहीं होती। ऑडियो विजुअल मीडिया सिलेक्शन एंड डिज़ाइनिंग, तो प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया है तो सेलेक्ट क्या करना है, एक ये पैनल ले लो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन आप है फॉर एग्जांपल आपको ये अलजेब्रा का आप टॉपिक पढ़ा रहे, तो आपने देखना है कौन सी मेरे टॉपिक के अनुसार रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट मैटर स्टडी करते हो, लेसन प्लान करने से पहले वो सब्जेक्ट मैटर में से मेन लाइन देखनी है, मेन चीज़ें देखनी है, किसको आप कंक्रीट रूप में पेश कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल है तो आपके पास पड़े हुए हैं घर में ट्राइंगल, कोई पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, पेपर से काट के ले जाओ, तो वो ऑडियो विजुअल एड ऐसे हो जाती है। परफेक्ट चाहिए तो आप पीपीटी बना सकते हो, ऐसे सिलेक्शन एंड डिज़ाइन करना की बातें होंगी। यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्स फॉर मैथमेटिक लर्निंग, पूलिंग ऑफ लर्निंग रिसोर्स इन स्कूल कम्प्लेक्स ब्लॉक लेवल, हैंडलिंग हर्डल्स इन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, तो कम्युनिटी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, मटेरियल रिसोर्स भी है, फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है। ह्यूमन अगर मैथमेटिक्स में कोई अच्छा है उनको आप बुला सकते हो, है ना। अगर कम्युनिटी में, लोकल कम्युनिटी के मैथ जहाँ, जैसे हमारे यहाँ जलंधर में साइंस सिटी है तो मैथ्स रिलेटेड कंसेप्ट हैं, तो वहाँ विजिट किया जा सकता है, ये कम्युनिटी को यूज़ करना हो सकता है। अच्छा, करंट ट्रेंड्स इन टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स कंसेप्ट, मीनिंग नेचर कंसेप्ट, फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट असिमिलेशन, ये जो कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट असिमिलेशन है, इसको कंसेप्ट अटेनमेंट इन टीचिंग है, लगता है योगेश सर ने तो नहीं डाला हुआ। अच्छा, ये कंसेप्ट असिमिलेशन है, एक तो है कि आपके पास किसी कंसेप्ट की प्रीवियस नॉलेज है, जिसे जो प्याजे ने स्कीमा कहा है ना, प्याजे ने, तो ये आपके प्रीवियस नॉलेज पड़ी है, मान लीजिए आपके ट्रायंगल की पड़ी हुई है ये नॉलेज, तो आपने आगे बच्चे को ये समझाना है ना, ये समझाना है ना, या ये आपके जो भी बनते हैं ये समझाना है, तो इस प्रीवियस नॉलेज को नए कंसेप्ट समझाने के लिए यूज़ करना, अगर वो इजीली यूज़ कर लेगा, मोस्ट सिमिलर को यूज़ करना है, सिमिलर, इससे सिमिलर हो, न्यू नॉलेज प्रीवियस नॉलेज से सिमिलर हो, तो वो जब सिमिलर हो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है, जब अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन है ना, अकोमोडेशन भी है वैसे प्याजे में। तो कंसेप्ट अटेनमेंट क्या है, कुछ नहीं, इंडक्टिव मेथड है। फॉर एग्जांपल आप जो है ट्रायंगल पढ़ाना चाहते हो, तो आप एक एग्जांपल ट्रायंगल की देते हो ऐसे, और दूसरी एग्जांपल उससे नहीं रिलेटेड वो देते हो, तीसरी एग्जांपल ऐसे करके ये भी है ना ट्रायंगल हो गया, अगली एग्जांपल होगी ऐसे करके, ये होगी एग्जांपल्स, ये होगी नॉन एग्जांपल्स, नॉन एग्जांपल्स होती हैं ये टीचर ने पहले जो रेलेवेंट है वो बच्चों के सामने पेश करनी है, बच्चों ने उनको कंपेयर करना है, इनमें उन्होंने सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है,
और फिर इसमें इसमें सिमिलैरिटी देखनी है और इसमें इसमें सिमिलर डिफरेंस देखना है, ऐसे 8, 10, 15 जितने भी एग्जांपल वो पेश करते जाते हैं, तो बच्चा वो डिफरेंस है उनको भी एनलिस्ट करता है, सिमिलैरिटी को भी एनलिस्ट करता है। वो कुछ नहीं, इनके फीचर होंगे, वो फीचर के बेस पर उनको एनलिस्ट कर दो तो वो डेफिनेशन बन जाएगी, है ना। तो वो डेफिनेशन खुद बच्चे ने बनानी है, ये एक प्रोसेस होता है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल इंडक्टिव से सॉरी एग्जाम्पल से लेकर आप डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हो, इंडक्टिव अप्रोच है जो पीछे बात करके आए हैं। लेकिन ये ब्रूनर जो है, जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट दिया था। तो स्पाइरल करिकुलम उनकी अप्रोच है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज पर उन्होंने बात की है। तो ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल उन्होंने दिया था, जिस जो इंडक्टिव प्रोसेस से हमें टीचिंग करानी चाहिए। तो ये एग्जांपल नॉन एग्जांपल उसमें सिमिलरिटी डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो गया। ये कोऑपरेटिव लर्निंग कंसेप्ट अप्रोचेस कुछ नहीं है, वैगोत्स्की को याद कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास में ये ग्रुप है, बच्चों को 2 या 3 ग्रुप बना दिए, लेकिन ग्रुप जो है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मीन डिफरेंसेस हो गए ग्रुप में। डिफरेंसेस किस बेस पर हो सकते हैं, जेंडर के बेस पर हो सकते हैं, मीन ये लड़का हो सकता है, 2 लड़कियां हो सकती है, 2 लड़कियां 1 लड़का भी हो सकता है। अचीवमेंट के बेस पर कि इसके हायर अचीवर है ये एक एवरेज है, एक लोअर है। तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने हैं, उनको मैथ्स की प्रॉब्लम दे देनी है और वो सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व करके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे से कर रहे हैं, एक दूसरे से थिंकिंग शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, है ना, इवेलुएट कर रहे हैं। तो ये जब ये प्रेजेंटेशन आके यहाँ क्लास में देते हैं, ये भी देते हैं, तब इस ग्रुप ने जो सीखा वो ये प्रेजेंट करते हैं, ये क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं। तो ये पहले या ये आपस में कोऑपरेट कर रहे थे, अब ये एक ग्रुप दूसरे से कोऑपरेट करता है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग का बेसिक है, इंटर सब्जेक्टिविटी, इंटरेक्शन, इंटर थिंकिंग को शेयर करने के लिए, थिंकिंग को शेयर कर, नॉलेज को शेयर करने के लिए ऐसे ये कंसेप्ट एंड अप्रोच है। जिग्सा अप्रोच जो है मोस्ट पॉपुलर है, तो यहाँ पर तो नहीं अभी हो सकती। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट मटेरियल जो टेक्स्ट बुक्स है उससे एडिशनल बच्चे को लर्न करने के लिए सोर्स आप बताते हो कि इस बुक में से, एक इस न्यूज़पेपर में से, है ना, किया जा सकता है। समर प्रोग्राम है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स तो आपको पता ही है, वो जो पीसीपी लगते हैं, आप अप्लाई करते हो, उसके पीसीपी लगते हैं, 15 दिन पढ़ते हो, उसके बाद में सेल्फ स्टडी करते हो, एग्ज़ाम देते हो। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जो मोड्स हैं। नेक्स्ट है एनी काइंड ऑफ टू फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड टेक्स्ट बुक, एनी वन 6th से लेके 10th तक कोई भी एक एनालिसिस ऑफ फेमस कोटेशन ऑन मैथमेटिक्स, प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल एड सजेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए। गखड़ सर भी हैं, मंगल भी हैं, सारे भी हैं, सभी को पढ़ लेना अच्छे से। वेबसाइट भी दी हुई है अभी। इवेल्युएशन स्कीम है, 2 क्वेश्चन नहीं 1 2 3 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से ये पेपर ही देख लेते हैं यार, इतना क्यों हमें तंग होना, है ना। यहाँ पर पेपर देख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा पेपर। तो ये पेपर में है पेडागोजी मैथमेटिक्स, पिछले साल का है, 40 मार्क्स है, 3 घंटे का है, ये याद रखना। तो ये यूनिट हैं आपके, 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5 4 यूनिट, 1 2 3 4 5 है, वो 2 क्वेश्चन ईच अटैम्प्ट 1 ओके, और 5th यूनिट इज़ कंपलसरी। तो पहले जो हैं 8 8 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, उनमें से एक एक आपने करना है। ये हम ऊपर चले हैं, यूनिट 1 देख लिया है, थोड़ा सा बड़ा करना है, कर लेते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, बड़ा हो गया, ओके। तो डिफाइन मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स, डिस्क्राइब बिरखॉफ एस्थेटिक, जो मैथमेटिशियन उनकी बात है, तो इनमें से एक करना है, 8 मार्क्स का है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गिव द वैलिड रीजन टू सब्सटेंस योर आंसर। देखिए जब बेस्ट पूछा जाता है तो आपने इंडक्टिव को चूज करना है, कंस्ट्रक्टिव को चूज करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है उसको ही चूज करना है। तो उसके फायदे बताने हैं कि बच्चा खुद लर्न कर रहा है, एक्टिव है, जितने भी कंस्ट्रक्टिविज्म के फायदे पीछे डिस्कस करके आए हम, कोऑपरेटिव लर्निंग है। डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, 4 4 नंबर का है। हाउ कम्युनिटी रिसोर्स कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल,
नेक्स्ट यूनिट 4 है, यहाँ पर डिफाइन कंसेप्ट डिस्क्राइब कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, जो अभी लिए ऐसे ही कर सकते हो आप, डिस्कस द कंसेप्ट एंड अप्रोच ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ये यहाँ करेंगे हम सारा। व्हाट इज़ द यूनिट 5 है, व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स प्रूफ्स, 2 नंबर का है, राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑन टॉपिक वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, 2 नंबर का है, व्हाट इज़ ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया, 2 नंबर का है, राइट ब्रीफ नोट ऑन समर प्रोग्राम, 2 नंबर का है। ये दोनों लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा नहीं है, हिंदी में देख सकते हो, पॉज करके आप देख सकते हो। ये यूनिट 3rd है, उसके बाद ये 4th है, 5th है, ये पंजाबी में अनुवादित किया हुआ है, पंजाबी वालों लिए भी यूनिट है, सारे देख लो, वही इंग्लिश विच है, ये लो इदा देख लो, इतने भी देख लो। लो जी, ये हो गया ता मैथमेटिक्स, दैट इज़ ऑल अबाउट पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। थैंक यू।